ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बचपन। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिलाएं बच्चों को अपनी बचपन की बातें बता रही हैं। चलो चलते हैं, मैं इस वीडियो का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, इस कहानी का। सॉरी, इसमें लेखिका जो है वे अपने बचपन की बातें बताती हैं। इसके अंदर वे कहती हैं कि बचपन में वे क्या क्या करती थी, किन किन चीज़ों को वे पसंद करती थी, और जब वे स्कूल जाती थी और जब छुट्टी का दिन होता था, यानी कि शनिचर कहती हैं, इतवार को मतलब संडे को बोलती हैं कि वे संडे को क्या क्या करती थी, और जो पहले जो चीज़ें खाने पीने की जो चीज़ें होती थी वे चीज़ें अब किस चीज़ किस रूप में बदल गई हैं, और वो पहले कौन से कैसे कपड़े पहनना पसंद करती थी और अब कैसे कपड़े पहनना पसंद करती हैं, उसके बारे में विवरण किया है। और जो चीज़ें होती थी, चीज़ों के नाम मैं क्वेश्चन आंसर्स में आपको बता दूंगी, उनके नाम बदल कर आप क्या हो गए हैं, और पहनने में वे पहले फ्रॉक वगैरह सब जो उनकी पसंदीदा कपड़े थे वो सब के बारे में बताती हैं, और उनके घर के पास एक मॉल था जहाँ से वे चॉकलेट्स खरीदती थी, और उन्हें वे घर लाकर मज़े ले लेकर खाती थी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो मज़े ले लेकर खाती थी वो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बता दूंगी। और उन्हें जब उनको चश्मा लगा तब उनके चचेरे भाई ने उनका मजाक उड़ाया, तो उन्होंने कैसे उनका मजाक उड़ाया उसका विवरण इस कहानी में लेखिका ने किया है। और जब जहाज़ आता था तब लोग, जब जहाज मतलब ऊपर उड़ता था तब सब बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आते थे और एकदम चौंक जाते थे कि ये क्या चीज़ जा रही है। तो ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें आपको आकर्षित बोल सकते हैं आप, कौन कौन सी चीज़ें हैं आजकल के दौर में, उनके दौर में कौन कौन सी चीज़ें उन्हें आकर्षित करती थी, और आजकल क्या क्या चीज़ें हैं, पहले कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें थी और आजकल क्या क्या हैं, तो उस बारे में बताती हैं कि बच्चे पहले किस चीज़ों में दिलचस्पी रखते थे और आजकल के बच्चे किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। और चश्मे लगाने के ऊपर ये उन्होंने पूरा विवरण दिया है इसमें कि ये मेरी गलती की ही वजह से हुआ है, क्योंकि वे दिन की रोशनी छोड़कर रात के लैंप में काम करती थी इसलिए उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो इधर मैं आपको इसके आंसर्स बता पढ़ देती हूँ एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। तो बचपन में संडे के दिन लेखिका क्या क्या काम करती थी, वे मोजे खुद धोया करते थे। इसकी सख्त मनाही थी, सॉरी, इसकी सख्त मनाही थी, मोजे खुद धोने पड़ते थे, मतलब नौकर नौकरानियों को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो जिसके पास ब्रश होता था, ब्रश या फिर कपड़े से साफ करना, अपने जूतों को चमकाना, तो सुबह सुबह संडे के दिन इनका यही काम रहता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, यानी कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स देती हैं कि पहले हमारे समय यानी कि हमारे टाइम में क्या क्या चीज़ें थी और अब क्या क्या हैं। लेखिका के अनुसार बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ मतलब आप कह सकते हो हमें क्या क्या चीज़ें पसंद है, बच्चों को आजकल क्या क्या चीज़ें करना पसंद है, पहले क्या क्या चीज़ें करना पसंद था, उस चीज़ को दिलचस्पियाँ कहते हैं। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, नहीं है, सॉरी, इधर नहीं,
इधर आप नहीं काट दे दीजिएगा। कुछ ही घरों में ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न थे। बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। बचपन में कुल्फ़ी कहा करते थे और अब क्या कहते हैं, आइसक्रीम कहते हैं। और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो गया, तरह तरह के वैरायटीज आते हैं अब। उस चीज़ को बताती हैं, पहले कुल्फ़ी मिला करती थी सिर्फ, फिर उसमें भी कई वैरायटीज आ गई हैं आजकल। कचौड़ी समोसा पेस्ट्री में बदल गया है। कचौड़ी जो समोसा होता था आजकल क्या बोलते हैं, पेस्ट्री। शहतूत और फालसे और खसखस का शरबत को पेप्सी में बदल गया है। तो ये जो शरबत होता था, ये एक तरह का जूस होता था, वो किस चीज़ में बदल गया है, पेप्सी और कोक में। पहले ये शरबत पीते थे बच्चे, लेकिन अब कोक और पेप्सी, थम्स अप, ये सब वगैरह पीते हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन दिनों कोक पेप्सी नहीं थी, उस समय विम्टो नामक कोल्ड ड्रिंक का चलन था। आजकल तो कई तरह के ब्रांड से, फैंटा, सेवन अप, थम्स अप, पेप्सी, कोको कोला, तरह तरह के हैं, मगर पहले सिर्फ एक ही था। कौन सा नाम का, विम्टो। विम्टो ये याद रख लेना आप। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। किस कारण लगाना पड़ा, लैंप के आगे काम करने के कारण। जब पहली बार लेखिका ने चश्मा लगाया तो उन्हें उनके चचेरे भाई ने वो उसे छेड़ते हुए कहा कि, छेड़ते हुए मतलब मजाक उड़ाया। ऐसे ही जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया, ये आपको चार लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, मैं ये पढ़ देती हूँ आपके लिए। देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, पर नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये कहकर उनके चचेरे बहन को चिढ़ाते हैं। लेखिका अपने बचपन में कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, ठीक है, जो उन्हें ज़्यादा पसंद थी, जो चीज़ें होती है ना आप आजकल, जैसे लेस, चिप्स, कुरकुरे वगैरह हैं, पहले क्या क्या चीज़ें मिलती थी। लेखिका को अपने बचपन में कन्फेक्शनरी काउंटर में हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सिर्फ एक बार ही जा सकते थे, कब, संडे के दिन कन्फेक्शनरी काउंटर में जाने की इजाज़त थी। क्या लेने जाती थी, चॉकलेट। उसके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। वह चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। वे घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती थी। तो वे वहीं पे खरीद कर नहीं खाती थी, घर आने के बाद अपने साइड बोर्ड पे रख देती थी और रात को खाना खाने के बाद वो उन चॉकलेटों को मज़े ले लेकर खाती थी। इसके अलावा कॉफल खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, चेस्टनट, एक और गजब की चीज़। ये सब चीज़ों के नाम हैं, जैसे आजकल कई तरह की चीज़ें होती हैं, ये भी कई तरह की चीज़ें हैं जिन्हें जो मैं बचपन में खाती थी। आग पर भुने जाते और फिर छीलकर उतार के मुंह में, चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन, ये सब चीज़ें वे मज़े ले लेकर खाती थी। ये भी देख लीजिए आप। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो कौन कौन से कलर के कपड़े पहनती थी पहले, ये सब ब्लू, पर्पल, ग्रे, ब्लैक एंड चॉकलेटी। अब गहरे नहीं, अब गहरे कलर नहीं पहनती है, मतलब ब्राइट कलर्स नहीं पहनती है, अब हल्के रंग के पहनती है। पहले वे कॉफ, फिर नहीं फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, परंतु अब चूड़ीदार और गहरे गहरे घेरदार घेरदार कुर्ते पहनने लगी। और अब क्या पहनती है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए, मतलब अब वे सब चीज़ें नहीं खाती हैं, वे ओनली नॉर्मल मील्स लेती हैं। पहले तो खट्टे मीठे, ठंडे,
चूरन वगैरह सब खाती थी, चॉकलेट वगैरह। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया है, और आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, ये कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं। तो ये भी मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, ये कहकर लेखिका बताती हैं कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उनके स्थान पर आज घर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने मिलता है। तो सिर्फ क्या थे, ओनली ग्रामोफोन थे, लेकिन आज घर घर में क्या क्या मिलता है, टेलीविज़न, रेडियो, सब कुछ, फ़ोन वगैरह सब मिलती है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ले ली है, कचौड़ी समोसा पेस्ट्री में बदल गया है, शहतूत और फल से और खसखस के शरबत का स्थान कोक पेप्सी ने ले लिया है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो उन्हें छेड़ते हैं ना, जब वो चश्मा लगा कर आती हैं पहली बार, तो उनके चचेरे भाई कहते हैं, आंख भर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, ऐसे कहकर उनको चिढ़ाते हैं। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताइए। ये जो मैंने आपको भी बताए हैं वही नाम है। लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने पर, ये तो आप छोटे हैं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं कि अब चूड़ीदार, पहले तो हर चीज़ में लेते थे, पर अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाज़ों की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं उनकी आश्चर्यजनक, वाओ, मतलब एकदम आश्चर्य हो जाना। क्या क्या है वो, ग्रामोफोन, घुड़सवारी शोरूम में शिमला कालका ट्रेन, ये सब चीज़ों को वे क्या आकर्षित, आश्चर्यजनक थी। आजकल की चीज़ें आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आश्चर्यजनक करती हैं, तो आप लिख सकते हैं मोबाइल, किंडल, मेट्रो, ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें मुझे आकर्षित करती हैं। भाषा, इधर ये बताया गया है, ये भावनावाचक संज्ञा, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। क्रिया, क्या क्रिया, जैसे चमकना, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, चमक। ऐसे ही इधर कई उदाहरण दिए गए हैं, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। और देखिए, भागना भाग, बदलना बदल, खरीदना खरीद, ओढ़ना ओढ़। ये संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उन्हें हिंदी अर्थ जानो। जो जो इंग्लिश के वर्ड इस कहानी में यूज़ हुए हैं उनके अर्थ हिंदी में लिखे। फ्रॉक को क्या कहते हैं हिंदी में, लड़कियों के पहनने का घेरदार छबला। लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र, स्पीड, गति। और इधर हाँ, अब मैं बता देती हूँ आपको, संख्यावाचक के बारे में बताया गया है, जैसे एक लीटर दूध, ठीक है, चार दिन, कुछ व्यक्ति, एक लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चल गया कि इसमें चार, कुछ और एक लीटर शब्द से संख्या का परिणाम का आभास होता है। तो आभास होता है क्या, दिन, कितने दिन, चार दिन, तो ये है तो नंबर, लेकिन कितने इसको हम परिणाम मिल रहा है कि कितने दिन। कुछ व्यक्ति, नंबरिंग नहीं है बट व्यक्ति के बारे में, कुछ व्यक्ति, एक लीटर, एक लीटर नंबरिंग है लेकिन कितना है, लीटर, तो संख्या हमें एक तरह का एक परिणाम दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। ठीक उसी तरह जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, जो काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उनको निश्चित बोलते हैं, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते मगर नंबरिंग यूज़ होती है उसको अनिश्चित संख्या कहते हैं। देखिए एग्जांपल, मुझे दो दर्जन केले चाहिए, तो ये क्या हो गया, दो दर्जन बनाना हम केले हम काउंट कर सकते हैं ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये।
दो किलो अनाज दे दो, दो किलो, इधर नंबरिंग तो यूज हुआ है दो, लेकिन हम ये इसको हम ये एक परिणाम दे रहा है हमें कि वो 2 किलो है, लेकिन हम एक एक दाने को तो नहीं गिन सकते, या एक एक दाने को तो हम नहीं तोल सकते ना। तो एक ओवरऑल मेजरमेंट, तो 2 किलो, तो ये क्या है, निश्चित परिणाम वाचक विशेषण। कुछ, अब देखिए इधर कुछ है लेकिन कितने नंबरिंग है, अब एग्जैक्ट अगर नंबरिंग यूज हो रहा है तो निश्चित है, लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबरिंग यूज नहीं हो रहा है और कुछ या थोड़ा यूज हो रहा है, मतलब नॉट द नंबरिंग, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनिश्चित। कुछ कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 10, कितने भी, तो हम कहेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये परिणाम दे रहा है हमें, तो इसलिए इधर परिणाम परिमाण वाचक शब्द, परिमाण। ओके, तुम्हारा सर्वनाम, तुम्हारा, देखिए इधर तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, किसका, तुम्हारा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण। सभी, सभी भी अनिश्चित, सभी ये वो कितने भी हो सकते हैं, जैसे कुछ हो गया वैसे ही सभी हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बहुत, ये गुण बता रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत गुण बता रहा है, ऐसा है, बहुत सुंदर है, थोड़ा सुंदर है, ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा है, ऐसे गुणवाचक विशेषण। और इसमें दिलचस्पियाँ किसकी चीज़ में को, अब यहाँ पे देखिए इस व्याख्या में रेखा के शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं के विशेषण विशेषता बता रहे हैं, संज्ञाओं की विशेषता, मतलब संज्ञा जो यूज हुई है उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, उसको बता रही है। तो इसमें कहानी में ऐसी कौन कौन से सेंटेंसेस है जो आपको संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो 5 सेंटेंस लिखने हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ या नानी भी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, कुछ एकदम लाल कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। ये 5 सेंटेंसेस है, उदाहरण छाट कर लिखो, ठीक है, ये कट कर देते हैं।